तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद खान आपके साथ हाजिर हूँ फिर से नए ब्लॉग में। असल में ईद तो कल थी लेकिन आपसे आज मुलाकात हो रही है मेरी, क्योंकि कल मेरी पूरे दिन तबीयत ख़राब रही, इमोशंस रहे और बॉडी पेन रहा, तो मुझे कल ब्लॉग बनाने का टाइम मिला ही नहीं। और हम कुर्बानी का जानवर लेके आए थे और आपसे उनको मिला भी नहीं पाया। कल पूरा दिन आप देख रहे होंगे मेरा पूरा फेस, टाइम भी नहीं मिल पाया गाइस। तो हमारे आज सेकेंड डे आज कुर्बानी है, तो अभी जस्ट मैं आया हूँ नीचे और अभी थोड़ा सा फील थोड़ा सा होने लगा ठीक, तो मैं सोचा और आज ही हमारे कुर्बानी है तो पापा वगैरह दादा वगैरह सब लोग ही आ गए थे, कसाई भाई भी आ गए हमारे जानवर को काटने के लिए, कुर्बान करने के लिए। तो अभी इसको जो है ये लोग इसको जलेबी खिला रहे हैं, ये रे पापा इसको जलेबी वगैरह खिला रहे हैं, दानिश भी जलेबी खा रहा है। ये छोड़ दे, खाए कि नहीं खाए जलेबी इसने? मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया जलेबी खाने के लिए। इसको मालूम लग गया मेरी कुर्बानी होने वाली है। असल में होता है जानवर को जब मालूम चलता है ना कि भाई कुर्बानी होने वाली, तो उसको मालूम हो जाता है कि भाई कुर्बानी होने वाली है। तो खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत तो उसने सुबह चारा खाया ही था और जो है ये वक्त काफ़ी खूबसूरत भी है, इसने खाया है कुछ। तो इसका नाम भी हम रखे थे, मैं नाम इसका भूल गया, असल क्या नाम रखे थे इसका? सोल का है ये रासोल, आपका इसका बादशाह नाम रखा था। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जलेबी का लुत्फ ले रहे हैं सभी लोग, घर हमने पूरा कवर कर दिया गर्मी की वजह से। और अभी मैं जाता हूँ ऊपर के जानवरों को भी देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, तब तक इसका अभी नंबर आया नहीं है। तो जस्ट मैं अभी अभी आया हूँ गाइस ऊपर, उसको तो मैं संभाल के आ ही गया। सो खैर मैं सोचा था एक बार आपको मैं दिखा दूँ लाइट ऑन करके कितने गई लाइट। सोहेल ने जो इसमें कुछ चेंजेस किए थे और सीरियसली ये पहले से ज़्यादा भी अच्छा लग रहा है, इसका पूरा पीछे का जो व्यू था वॉल पर तो चेंज किया। एंड यस गाइस, ये जो हमारे ऑस्कर फिशेस थे इन्होंने पेड़ लगा लिया है फाइनली, इन्होंने खुद खुद के पेड़ से मार ही दिया और लास्ट में दोनों मिलकर जो साजिश करके इन्होंने खुद ने पेड़ लगा लिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारी शार्क फिशेस थी वो अब कलर में आई है और इनका साइज माशाल्लाह गाइस आपको लग रहा होगा, बट मैं आपको पास से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा साइज इनका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा व्यू काफ़ी आ रहा है ना हमारे एक्वेरियम का। वो रही है आपकी जो शकर फिश है, ये रही पीछे, और फियोना यहाँ पर हमारी इधर बैठी है, फियोना फियोना खा ले चल तू आराम से है ना, और वो खाए करे दोस्त फेरो 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 किधर है फेरो। और इसकी फिशेस का भी सोल ने पानी वानी साफ किया था और सभी एक्टिव है, बस हमारी ईल मर गई जब मैं यहाँ से गया था। और तो बाहर से जो वो कुर्बानी का जानवर चिल्ला रहे थे तेज, उसको भी देखना है, मैं ऊपर के भी एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइस। फेरो आ जा, ये रहा देखो, अम्मी ने इसकी कटिंग कर दी थी गाइस, जैसे भी अम्मी को आई तो अम्मी ने इसकी कटिंग कर दी जैसा हुआ। और अब ये आया है मेरे पास खुजली कराने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है फेरो तू जा है ना। तो ये देखिए गाइस, जस्ट मैं अभी नीचे आया हूँ और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए अब आप ये आपको सबको हाय हेलो बोलेगा, सलाम करेगा। फिर से बोल एक बार और, अलो बोल दे खाली बस ये बात। तो देखा आपने मेरी बात भी मानता है। तो जस्ट फिलहाल मैं गाइस अभी भी ऊपर आया हूँ, पूरा दिन निकल चुका, आपसे सुबह ही मुलाकात हुई थी मेरी। फिर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी को, तमाम देशवासियों को। जस्ट अभी यहाँ पूरे दिन निकल गए थकावट में और मेरी तबीयत भी गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, यहाँ जयपुर आने के बाद में देखते मेरे को मोशंस लग गए, डिहाइड्रेशन हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे ड्रिप चढ़वाने तक की नौबत आ गई थी। खैर मैंने काफ़ी हिम्मत की और पापा को मना किया कि नहीं रहने दो कि मुझे नहीं चढ़वाने ड्रिप वगैरह, तो इलेक्ट्रोल और ORS वगैरह मैंने जो लिया, अभी भी लग नहीं रही ठीक। फिर भी मैं ऊपर आया हूँ कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत मैं काम दाम देख लेता हूँ, अगर मैं बिल्कुल बैठ जाऊँगा तो काम वाम कुछ नहीं होगा एंड देन फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर कबूतरों को खोल दिया जाए, और कबूतरों को जैसे ही खोला तो सोल तीन कबूतर नए लेकर आया था, पता नहीं शायद मैं आपको दिखा भी पाया था कि नहीं दिखा पाया, मुझे याद भी नहीं है। तो उसमें से एक कबूतर निकल गया, मैंने उसके पर खोल दिए थे, हालांकि उसको 15 दिन हो गए थे आए हुए, उसके जोड़ नहीं लग पाए थे, वो निकल गया।
अब गया सो गया, इतना दिमाग नहीं है अभी कि मैं उस पर ध्यान दूँ। बट फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से नए थे, दो बच्चे उनमें से, वो एक तो गया जो गया। कौन सा था यार, हाँ चलो दिखाई देता हूँ। देखो एक तो ये आपको सामने बैठा है, ठीक है, ये रहा, और दूसरा ये फीमेल है। एक जोड़ के गया है नर, वो भी अच्छा था माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत कबूतर था, है ना। और एक ये है, और बाकी मैं अभी आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये देख लो आप तो पुराने वाली कुछ चीज़ें इसमें सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज ही रही जाए तो काफ़ी ठीक है। ये सब ये देखिए माशाल्लाह ना, इधर सेट हो गए। और कुछ चीज़ें जो है ना, मैं सोच रहा हूँ सरप्राइज उनको सरप्राइज रहने दिया जाए, क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम भी सारी चीज़ें मैंने दिखा दी थी और मेरे दिल्ली जाने के बाद में ऐसी नज़र लगी कि पूरा का पूरा क्लच जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हो गया, और सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब मेरे 8 से 10 बच्चे मतलब कबूतरों के जो थे वो चले गए, और अभी सोहेल ने मना भी किया है। हाँ सोहेल, तूने मना किया ना दिखाने के लिए, बता इसकी वजह, बता अपने सब्सक्राइबर की वजह क्या हो सकती है इसकी। नज़र लग जाती है अच्छे बच्चे, है ना, इसीलिए ना। अब मैंने इनको मना भी किया है कि भाई सोहेल ने मना कर दिया, मैंने भी, तो थोड़े से बड़े हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह आप उनके उनकी दीदार कर दीजिएगा, अभी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बड़ा दुख हुआ था यहाँ से जाने के बाद में। और एक कबूतर सोहेल 3 लेके आया था, उसमें से एक अभी एक उड़ गया जस्ट अभी अभी, तो मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था। और अभी कर रहे हैं कुर्बानी, ईद का दिन एंजॉय, अभी सोहेल के मजे होने वाले हैं, निहारी बन रही है सोहेल के लिए। और हाँ, इसके तो मैंने बताया नहीं आपको गाइस, काफ़ी हद तक माशाल्लाह बहुत ठीक है, आप ख़ुद देख लीजिए प्रीवियस वीडियोज़ में देख लीजिए इसको, अभी देख लीजिए इसमें काफ़ी फ़र्क है, उसकी पूँछ भी वापस आ गई और ये खुद दाना चुग भी लेती है अभी तो। और हमारे जितने भी कबूतर थे वो सब सेट हो गए। और हाँ, रेबिट हाउस, कुछ लोग कह रहे थे कि रेबिट हाउस का ये देख लीजिए इन्होंने क्या हाल किया है, माशाल्लाह ये देखो, ये कहीं से कहीं तक गए थे, आपको लग रहे हैं रेबिटे हैं, हाँ। अभी मैंने इनको खाना डाल दिया था, कल सुबह इंशाल्लाह मैं इनकी सफाई करता हूँ उड़ करके, और कल मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पुरानी बर्ड मार्केट पर जाऊँगा सोहेल के साथ, मैंने उससे वादा किया है, मैं ज़रूर जाऊँगा सोहेल को लेके। और हाल फिलहाल मैं कुछ दिखाने वाला था बट मैं भूल गया, पता नहीं क्या दिखाने वाला था, मुझे खुद याद नहीं। और ये फिंचर्स के बारे में मुझे आपसे कुछ राय लेनी थी। ये रही है हमारी फिंचेस, ये पता नहीं अब पेयर है कि नहीं है, आप लोग देख के बताएं। और ये क्यों अंडे नहीं दे रहे हैं अभी तक, इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया इनको। और इसका भी ये भी चला अकेला हो गया था इसकी, आपको मालूम है फीमेल इसकी मर गई थी, देखिए है ना। और ये रहा हमारा फिंचेस का पेयर। तो अभी दिक्कत गाइस ये आ रही है, मुझे पहली बार ये मतलब वो कहते हैं कि एक मसला पेश आया है, हालांकि जब जब मेरे बर्ड्स रखे हैं, मेरे यहाँ बर्ड्स ने ब्रीडिंग की है सक्सेसफुली, उन्होंने अंडे ले किए हैं, हैच भी किए हैं, फिंचेस के मामले में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इन्होंने यहाँ अभी तक मेरे पास अंडे दिए ही नहीं, क्यों नहीं दिए आप लोग मुझे बताएं। और सेकंड ये, मैं बजीज भी लाने का सोच रहा था, लाऊं कि नहीं लाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी कॉलोनी तैयार भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग बताएँ। और अगर कोई जयपुर में आसपास में कोई है मेरा भाई जानने वाला, तो यार मुझे एक फ़ीमेल चाहिए थी कॉकटेल की, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और मैं आपके यहाँ से ले लूँगा इंशाल्लाह। तो मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ, मुझे लगी है प्यास, थोड़ा सा नीचे देख लेता हूँ, पापा वगैरह भी काम में लगे हुए हैं क्योंकि आज कुर्बानी का दिन है, सेकेंड डे है, तो मैं थोड़ा सा काम धाम करवा लेता हूँ। सोहेल सोहेल सोहेल, कबूतर मत उठाना, ऊपर देख, ये साला जो है ना, ये साला कबूतर को उठा के ले जाता है गाइस, इसको शिकरा बोलते हैं सोहेल, क्या बोलते हैं, शिकरा है ना, चिड़ी मार, और बेरी भी इसी को ही बोलते हैं। तो अभी इनको सबको दाना वाना दे दिया है, और नीचे फेनो फेनों को भी मैंने ऊपर सुबह आपको दिखाया था कि सबको खिला दिया, फिशेस को भी। और मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया, अनफॉर्चुनेटली मेरी ईल भी मर गई, मतलब मेरे जाने के बाद ही मर गई थी, जब मैं यहाँ से दिल्ली गया था, तो मैं आपको बताया नहीं, तो मैंने कहा चलो बता दूँ एक बार आपको, पता नहीं कैसे मरी, मेरे पास वहीं कॉल आया था, उसने सिमरन ने कहा था कि ना भाई वो आपकी ईल भी मर गई, बाकी तो चलो ठीक है, सब खैर खुशल मंगल, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है।
अब मैं इन दोनों को उतरने का वेट कर रहा हूँ, बस ये दोनों उतर जाएँ, ये दोनों जोड़ है, अभी उतर जाएंगे तो ठीक है, फिर मैं इनको बंद करता हूँ और इसको भी बंद करता हूँ इसको भी थोड़ा सा चुका देता हूँ। ये आ गया, अब ये तो उतर गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाला मतलब ये वाला, और कौन रहेगा यार, ये उतरते क्यों नहीं है रे यार, ये देखो अभी उड़ रही है, और मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं और भूख भी लग रही है बहुत तेज़। हम कल जाएंगे हम दोनों भाई मार्केट, और कुछ लेके भी आएंगे, देखते हैं, अभी थोड़ा सा जेब खाली खाली सी हो गई है, और इसका बैठने का वेट कर रहे हैं, अभी भी नहीं बैठी है। तो आप लोग सजेस्ट करें क्या लिया जाए इस बार। चलो मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉग को करता हूँ यही ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और हमारे चैनल गाँव से शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कोई शक नहीं, आ, गरी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले।